हेलो। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑफर के बारे में। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर, ये जो हमारा हो रहा है, इसके अंदर हम देखेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। तो ऑफर देना बहुत ज़रूरी है। ऑफर देते हैं तो उतना ही ज़रूरी है एक्सेप्ट होना, क्योंकि एक्सेप्ट होगा तो ही आगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऑफर एक्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑफर किस मोड से एक्सेप्ट हो वो भी ज़रूरी है, किस कंडीशन में एक्सेप्ट हो वो भी ज़रूरी है ना, किस टाइम पे हो वो भी ज़रूरी है। तो टाइम का ध्यान रखना है, मोड का ध्यान रखना है, और कैसे ये एक्सेप्ट हो वो ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। तो ऑफर, सामने वाला पार्टी क्या करता है, हमें ऑफर करता है, ये एक ऑफरर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। तो ये ऑफर इसको करेगा तो इसको पूरा अधिकार है कि उसको रोक सकता है, अपने ऑफर को रोक सकता है। कब तक? जब तक ये एक्सेप्ट ना कर ले। और ये एक्सेप्ट करके इसके पास भेजेगा अगर बाय पोस्ट वगैरह, तो इसको पूरा अधिकार है कि ये अपने आप अपने ऑफर को रिवोक कर ले, विड्रॉ कर ले, जब तक इसके पास पहुंचे नहीं। तो दोनों को पूरा अधिकार होता है। अगर एक बार ऑफर रिवोक हो जाता है तो देन एक्सेप्टेंस उसको नहीं माना जाता। तो आइए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपके सामने। अब व्हेन द पर्सन, ये इसका डिफाइन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। एक मिनट देखो इधर, व्हेन द एक्सेप्टेंस, क्या लिखा है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, मतलब अंजूरी देयर टू प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जब इसका कहने का मतलब सिंपल है, ये सारे डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बताए हैं, कि जब कोई पर्सन जिसके लिए ऑफर भाई बन रहा है, ये बंदा ऑफरर है और ये एक्सेप्टर है, तो ऑफरर हो गया, ये ऑफरी हो गया, ये इसके लिए ऑफर दे रहा है ना, तो इसकी मंजूरी लेना जरूरी है भाई। अगर इसकी मंजूरी नहीं लेंगे, एसेंट इसका नहीं लेंगे, तो गलत हो जाएगा ना, दबाव हो जाएगा। तो ऑफर कभी भी ऑफरी को ऑफरर एक्सेप्ट करने के लिए अगर बोलता है ना, तो सामने वाला अपनी मंजूरी देता है कि यस आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट, या मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात आती है किसकी, ये देखो, एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को एनालाइज किया गया है। इसमें देखिए ध्यान से, तो क्या है, एनालिसिस ऑफ द अबो डेफिनेशन, कैसे एनालाइज किया गया है देख सकते हैं आप लोग। इसमें बोला गया है, व्हेन द पर्सन हुम प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जाम्पल जिसके लिए बनाया गया है, इफ ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी ₹2 लाख, हेयर प्रपोजल इज मेड टू बी, किसके लिए प्रपोजल मेड किया गया है आप लोग देख सकते हैं, बी के लिए किया गया है। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो ध्यान से, बी ऑफरी है, ए ऑफरर है। अच्छा, बी का पूरा अधिकार है क्या, ऑफर एक्सेप्ट करना, है ना, उसकी मंजूरी लेना, ए का भी अधिकार है पूरा, ए की ड्यूटी बनती कि वो मंजूरी ए ले ले। व्हेन बी है सिग्निफाइज इज कंसेंट ऑफ द प्रपोजल, अच्छा फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट क्या नहीं है, मैंने बताया था, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक, ये पांच ऐसे चीज थे जो हम आगे पढ़ेंगे, ये कोर्जन, ये फ्री कंसेंट नहीं है, तो वी कैन से दैट प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, अगर वो कंसेंट, हिज कंसेंट है। ठीक है, एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाएगा भैया, प्रॉमिस। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, इसी में लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है। लीगल इसका रूल्स है कुछ जो वैलिड एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। पहला, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हूम ऑफर इज मेड, वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए ऑफर बनाया गया। ए ने बी को ऑफर किया तो सी एक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई, क्यों, क्योंकि सी के लिए ऑफर बना ही नहीं है, बोलेगा है ना चीन न पहचान, भाई बीच में कौन घुस रहे तू, तो चीन परिचय होना जरूरी। ए ने बी को एक ऑफर किया तो बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, सी नहीं कर सकता कि सी को कोई जानता नहीं है, जानता भी रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है भाई, दूसरे के मामले में टांग क्यों लड़ा रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो हम क्या है कि भाई ए ने बी के लिए ऑफर किया तो बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं स्पेशल ऑफर, याद रहेगा आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये स्पेशल ऑफर स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, तो जिसके लिए वो मेड किया गया है वही बंदा वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन केस द जनरल ऑफर, अगर वो जनरल ऑफर है तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड कोई भी कर सकता है, एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर, जिसको ऑफर के बारे में पता है वो एक्सेप्ट कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं किसके बारे में, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड क्या होता है, नेगेटिव हो गया।
अनक्वालिफाइड मतलब नॉट नेगेटिव, एक्सेप्टेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रू करेक्ट होना चाहिए ना वो चीज, एब्सोल्यूटली एक्सेप्ट हो जाए, ऐसे ही नहीं कुछ भी एक्सेप्ट, हाँ देखते हैं हम, देखते हैं मतलब कोई देखता नहीं है ना, तो देखते हैं नहीं होता है, सामने वाले वाला ए बोलता है बी को कि भैया ये मेरी गाड़ी है खरीदोगे क्या, ऑफर कर रहा है, बी बोलता है देखता हूँ देखता हूँ, एब्सोल्यूट नहीं हुआ, यस खरीदूंगा, ये एब्सोल्यूट हुआ, बट ए ने ऑफर किया बी को कि बी भाई 2 लाख रुपए में मेरी गाड़ी खरीदोगे, ए ने जब सॉरी बी ने जवाब दे, ए ने किसको बोला बी को, और बी ने बोला कि भैया तुम्हारी गाड़ी 1,20,000 में हम खरीदने के लिए तैयार हैं, 2 लाख नहीं दे पाएंगे, तो ये क्या हो गया बोलो, अनक्वालिफाइड हुआ नॉट अनक्वालिफाइड हुआ, क्यों नॉट अनक्वालिफाइड हुआ, क्योंकि जितने में ऑफर दिया गया था उतने में बंदा एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ कि इतने में हम करेंगे नहीं, इतने से कम करो फिर हम खरीदने के लिए तैयार है। तो यहां पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, देखिए क्या लिखा, ए ऑफर सेल हाउस 1 लाख, बी रिप्लाइज दैट आई कैन पे 80,000 फॉर इट, 80,000 दे सकते हैं, द ऑफर ऑफ ए रिजेक्टेड बाय बी, द एक्सेप्टेंस इज नॉट क्वालिफाइड नॉट अनक्वालिफाइड, बी हावर चेंज, अगर उसका माइंड बाद में चेंज होता है 1 लाख पे करने के लिए तैयार हो जाता है, देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर एंड इट अप टू ए वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट, भाई सामने वाला अभी अभी वापस से रेडी हुआ तो ए के ऊपर डिपेंड करता है वो कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड काउंटर ऑफर अप टू ए वेदर एक्सेप्ट और नॉट, अगर बी ने बोला 80,000 में चाहिए तो ए के ऊपर डिपेंड करता ना, ए उसको एक्सेप्ट करेगा, हाँ ठीक है चलो भाई 80,000 में ही बेचते हैं, बट डिपेंड करता है ए के ऊपर, वो कौन सा ऑफर हो गया, हमने पढ़ा था याद करो काउंटर ऑफर, इतने में लेगा क्या, नहीं, ए ने बोला बी से कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, बी बोलता है ठीक है मैं शादी करवा दूंगा, लेकिन ए को बोलता है कि तुम भी अपनी बहन से मेरी शादी करवाओ, वो क्या हो जाता है काउंटर ऑफर हो जाता है, हमने काउंटर के टाइम पर पढ़ा था, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी है आप पढ़ सकते हैं। देन थर्ड आता है क्या, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मस्ट भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, भाई दोनों बीच के पार्टी के बीच में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इज सम एक्सेप्ट प्रिसेप्टेबल फॉर्म, किस फॉर्म में, प्रिसेप्टेबल फॉर्म, प्रिसेप्टेबल फॉर्म। अब देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए ने बोलता है बी को, ए ने बोलता है बी को कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, किससे, बी की सिस्टर सी से, ए ने बोला बी को कि आई वॉन्ट टू मैरी विथ किसका, हिम नहीं हर सिस्टर ना उनकी बहन से, बी ए ने बी के बहन से शादी करना चाहता है, ये बात किसको बोला, बी को। अब बी की बहन एग्री तो हो गई लेकिन वो बात वापस से रिपीट नहीं किया गया कि इसको ए तक पहुंचाया नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, ये कम्युनिकेट नहीं हुआ ना ऑफर। इसके ऊपर एग्जांपल नीचे दिया है, पढ़ेंगे वापस, देखो क्या है, एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विथ वरिंग और टू डेवियंट कंडीशन इज नो एक्सेप्टेंस, कोई कंडीशन रख दे नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि सामने वाले के ऊपर डिपेंड होगा, अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा करूंगा ना, है ना, तो एक्सेप्टेंस उसे हम नहीं मानेंगे, एक्सेप्टेंस मस्ट कम्युनिकेटेड एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज काउंटर प्रपोजल, अगर वो कंडीशनल हुआ तो वो काउंटर प्रपोजल हो जाएगा एंड हैज टू एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर, क्योंकि ये उल्टा चोर कोतवाल को डाटा एक तरीके से हो गया, देखो ऑफरर है और एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर करने के बजाय वो बंदा कंडीशन रख दिया, तो अभी ए को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डिपेंड हो गया ए के ऊपर सब, ये काउंटर ऑफर की जैसे हो गया, ठीक है, ओरिजिनल ऑफर इसमें चला हट जाता है, जिसमें पुराना ऑफर था उसके ऊपर कंडीशन लग जाता है, ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया था जब मैं पढ़ा रहा था काउंटर ऑफर, इसका एग्जांपल दे, ए प्रपोज बी टू मैरी हिम, ए प्रपोज बी टू मैरी हिम, बी इन्फॉर्म ए सिस्टर, अब बी ने इन्फॉर्म कर दिया ए की बहन को कि यस मैं शादी करना चाहता हूँ, है ना, दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, ए प्रपोज टू बी टू मैरी हिम कि वो बी से शादी करना चाहता है, बी इन्फॉर्म किसको किया, ए की बहन को कि मैं भी तैयार हूँ शादी करने के लिए, तो ये बट हिज सिस्टर डिडंट इन्फॉर्म ए अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, भाई ए की बहन ने ए को बताया ही नहीं, अब ए को नहीं बताया तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, कोनी देर इज नो एक्सेप्टेंस, है ना, एज कम्पेयर एक्सेप्टेंस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए, आगे देखते हैं।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मोड। एक प्रेस्क्राइब मोड में होना चाहिए, सामने वाला बोला मुझे ऐसे ही चाहिए तो उसको ऐसे ही दो। वर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब इन प्रपोजल, अगर प्रेस्क्राइब किया हुआ सामने से प्रपोजल में तो आपको उसी मोड से देना पड़ेगा, अगर नहीं देते हो तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, है ना। मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर बट इन द प्रपोजल डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल बींग एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड अदरवाइज। दैट इज क्या लिखा है, नॉट द प्रेस्क्राइब मैनर द प्रपोजल इज प्रिज्यूम टू बी कंसेंटेड टू द एक्सेप्टेड, मतलब क्या उस मोड पे नहीं किया तो उसको ऐसा जरूरी नहीं तो मान लेंगे हम, वो डिपेंड होता है प्रपोजर के ऊपर। देखो क्या एग्जांपल पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड ऑफरी सेंड द एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, हमने मैसेंजर बोला उसने ईमेल भेजा, देर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इफ द ऑफरर इन्फॉर्म द ऑफरी दैट द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब फॉर्म। वही यहाँ पे लिखा है कि मैंने उसको मैसेंजर बोला था, उसने ईमेल किया, मैंने बोला था ऑफर एक्सेप्ट तभी माना जाएगा जब आप मैसेंजर पे रिप्लाई करेंगे, सामने वाले ने ईमेल पे रिप्लाई किया, मैंने उसको कॉल करके बोला कि हेलो हेलो आपने आपने किस पे भेजा, मेल पे भेजा, मेल नहीं चलेगा, मेल ना चल बे तो मतलब आपको देना है मैसेंजर पे। अगर मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, मैं इन्फॉर्म करना फेल हो गया तो ऑफर एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, है ना। बट इफ द प्रपोजल डज नॉट इंसिस्ट, आ गया ना लाइन, द प्रपोजल बींग एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब आफ्टर इज एक्सेप्टेड अदरवाइज, समझा ये लाइन लिखी अभी समझा होगा। बट द ऑफरर फेल टू डू सो, इन्फॉर्म करना भूल गया ऑफरर कि आपने मेल भेजा है, किस पे चलेगा मैसेंजर पे, अगर ये बोलना भूल गया ना किसको एक्सेप्टर को ना तो क्या लिखा है, इट इज प्रिज्यूम्ड अज्यूम किया जाएगा दैट इज एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस एंड वैलिड द कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज, वैलिड मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ना ये टाइम है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, कौन से टाइम पे एक्सेप्ट होता है वो जरूरी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम लिमिट, सब जगह टाइम लिमिट दिया हुआ है। अब भाई मैंने ऑफर दिया तो डिपेंड करता है सिचुएशन कि कौन से सिचुएशन पे है ना, सर्कमस्टेंसेस पे कौन सा टाइम अप्लीकेबल होगा। जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे तो क्लियर होगा क्या है, देखो लिमिट इफ एनी एंड इफ नो टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट दिया है तो ठीक है ओके, नहीं दिया है तो इफ नो टाइम स्टिपुलेटेड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन रीजनेबल टाइम। एक टाइम लिमिट होता ना, जैसे 90 दिन के बाद एनपीओ अकाउंट हो जाता है ना, हम लोग डेटर का देखे वो सारी चीज, तो बिफोर द ऑफर लैप्स, समझा व्हाट द रीजनेबल टाइम इज नोटिफाई किया लॉ, सब अलग अलग टाइम के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पर्टिकुलर केस में। ये देखो एक केस दो केस यहाँ पे डिस्कस किया है, ए बी को क्या करना है, ऑफर करा है सेल 50 किलो बनाना या 50 डजन बनाना 500 रुपए में, बी कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 दिन के बाद, भाई 4 दिन के बाद केला सड़ जाएगा तो वो ऑफर क्या हो जाएगा, है ना, एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। द सच नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड बनाना बींग पेरिशेबल आइटम शुड नॉट स्टे फॉर पीरियड ऑफ वीक, 4 डेज इज नॉट रीजनेबल टाइम इन दिस केस। ये रीजनेबल टाइम 4 दिन नहीं है, 2 दिन 1 दिन होता है, ठीक है, कि पेरिशेबल आइटम में खत्म हो जाएगा ना, तो रीजनेबल टाइम ये हो। अब ए ऑफर कर रहा है बी को हाउस 10 लाख में बेचने के लिए, बी एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर एंड कम्युनिकेटेड टू ए आफ्टर 4 डेज, ये चलेगा रीजनेबल टाइम, इसमें लंबा टाइम होता है भाई, घर तो खराब नहीं होगा ना 4 दिन में, समझ रहे हो, ठीक है। ही हैड द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड 4 डेज कैन बी कंसिडर्ड रीजनेबल टाइम इन दिस केस सेल ऑफ हाउस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बात आती है मेयर साइलेंस, अच्छा टाइम के बारे में और नीचे पढ़ेंगे हम। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, सामने वाला चुप, ऐसा होगा क्या आप खरीदोगे क्या, सामने वाला चुप, ऐसा नहीं चलेगा ना, चुप क्यों है। लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि प्रीवियसली हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, सामने वाला नहीं बोला और चुप रहना भी क्या कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू मान लिया जाएगा, जैसे आगे पढ़ेंगे। देखो द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड इन द साइलेंट ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर अनलेस ऑफरी हैज एनी प्रीवियस कॉन्डक्ट इंडिकेटेड इन द साइलेंट इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। साइलेंट रहेगा तो उसमें एविडेंस किसका मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस का। अच्छा अनलेस यहाँ से आपको समझाना चाहूँ तो क्या होगा, देखो जैसे मैंने दूध का थैली बनाया था कि पर डे दूध वाले को बोला था पर डे मुझे 1 लीटर दूध मॉर्निंग में देना, मुझे कंटिन्यू 1 महीने तक दे रहा है, समझ में आया, मैंने उसको मना नहीं किया, अगले महीने में भी देगा और मैं बोला खा दूध ले लिया पैसा नहीं दूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना, पैसा नहीं चलेगा। मैं न्यूज़पेपर मंगा रहा हूँ, मैगजीन मंगा रहा हूँ, 1 साल का लिया सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, 1 साल खत्म हो गया, सामने वाला फिर भी दे रहा है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है देने के लिए,
और मैं बोलूँगा नहीं 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 मैंने तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, आप फिर भी जर्नल दे रहे हो, मैगजीन दे रहे हो, तो वो डिनाय हम नहीं कर सकते, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है, अनलेस ऑफरी हैज़ एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड इन दिस साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। बट पहले कुछ नहीं था, अभी ऐसा सामने वाला बोला, जर्नल ऐसा फ्री में बांटने लगा, तो हम तो फ्री ही समझेंगे ना, फिर हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए सब्सक्राइब इज वीकली मैगजीन ऑफ वन ईयर इवन द एक्सपायरी ऑफ सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यू टू सेंड इन मैगजीन ऑफ 5 ईयर्स एंड ऑल्सो ए कंटिन्यूड टू यूज, देन क्या हो जाएगा, पे करना पड़ेगा, है ना, बिल जो सेंड किया उसको पे करना पड़ेगा, इज लाइबल टू पे द कंटिन्यू यूज ऑफ द मैगजीन एक्सेप्टेड द ऑफर मान लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो पहले वाले के लिए, ए ऑफर टू सेल बाई इज न्यूफ्यूज हॉर्स फॉर रुपीज £30 सेइंग इफ हियर नो मोर अबाउट इट आई शल कंसिडर द हॉर्स माइन, मेरा हो जाएगा एट £30। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल, रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं बोला, पहली बार है ना, नहीं बोला। ही टोल्ड हिज एक्शनियर बी टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल हिज फार्म स्टॉक एज इंटेंडेड टू रिजर्व फॉर इट हिज अंकल, रिजर्व कर दिया सर बाई मिस्टेक, द ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स बाई मिस्टेकली बेच दिया। एफ सू हिम फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम, नहीं एक्सेप्टेंस किया था ना, कम्युनिकेट नहीं हुआ था, उसने कुछ बोला ही नहीं था ना भाई, न्यूली ऑफर था वो। आगे की बात करें, देखो क्या है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे होते हैं, देखो जाके सूस का मोची का दुकान है, जो मोची की दुकान पे वो बंदा बैठा हुआ है, सब कुछ लेके बैठा है। अब हम पहुँचे, अपना जूता टक करके रखा, अब जूता रखा तो सामने वाला पॉलिश करेगा, एक्सेप्ट हो गया ऑफर, आपको पे करना ही पड़ेगा, समझ में आया। देखो सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट लेस डाउन दैट द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिप्रिकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विथ ए प्रपोजल constitute an acceptance of proposal, this section provide the acceptance of proposal by conduct any against the other mode of acceptance, that is verbal or written communication. देखो क्या लिखा है, इसका मीनिंग यहाँ, when the tradesman receive order, the customer execute the order sending the goods, the customer order goods constitute the offer which has been accepted by the trade. और भाई उसने अगर उस जगह पर भेज दिया गुड तो एक्सेप्ट किया ऑफर और सामने वाले को पे करना पड़ेगा, सेम ऐसा कॉबलर मतलब मोची है ना, ब्रश पॉलिश लेके बैठा है, अब उसको जूस दोगे तो पॉलिश तो करेगा ही, वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ये इम्प्लाइड थ्रू था। आगे है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन है ये क्या होता है, पानी आप लोग भी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, अब इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है, चलो पढ़ते क्या लेगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस गिविंग इफेक्ट टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये किसको इफेक्ट देता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, वॉज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस पैराग्राफ जो ऊपर हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में नीचे दिया ही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट अवॉइडेबल, अवॉइडेबल क्या, रिवोक, अवॉइड होता है किसको, रिवोक, भाई ऑफर रिवोक ना हो जाए, बहुत बहुत जरूरी होता है कि अगर ऑफर रिवोक हो गया ना तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे बिटवीन दोनों पार्टीज के, इसके लिए क्या होता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे पढ़ो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू किसको, समय को बहुत इंपॉर्टेंस दिया भाई, एलिमेंट्स टू डिसाइडिंग द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कब ऑफर डिसाइड होगा ना, और ऑफर कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, दोनों बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, देखो क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 द एक्ट द कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट व्हेन द कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हुम इट इज मेड, भाई मेरे लिए बना है ना, उसको पता चल जाएगा तो कम्युनिकेशन ऑफर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वेयर अ मेक ए प्रपोजल टू बी, अगर ए कर रहा है बी के लिए प्रपोजल बना रहा है, बाई पोस्ट सेल हिज हाउस 500,000 एंड ही इज द लेटर कंटेनिंग पोस्टेड 10th March एंड रीच बी के पास 12 March द ऑफर सेट टू बी कम्युनिकेटेड कितना मान लिया जाएगा, 12 March को, बट अगर बी खोलता है उसको 15 मार्च को तो ऑफर एक्सेप्ट कभी माना जाएगा कम्युनिकेट, 15 मार्च को, ठीक है, समझ गया ये,
ठीक है, 15 मार्च को मान लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे और थोड़ा नीचे इस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है। द रिसीव लेटर 12th मार्च बट दिस रीड इट 15 मार्च देन द ऑफर कम्युनिकेटेड ऑन 15th मार्च नॉट 12 मार्च। वो रीड कर रहा है 15 मार्च को, तो 15 मार्च मान लिया जाएगा क्या कम्युनिकेशन। एक्सेप्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, देखो देर आर टू इश्यूज। पहला है ना डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग, देर आर टू इश्यू, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन इज एक्सेप्टेड कंप्लीट, कौन से मोड से जाएगा और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। मोड के अंदर दो चीज आती है, बाय एन एक्ट, बाय एनी एक्ट और बाय ओमिशन। अब इसके अंदर पढ़ते एक एक करके देखो, कम्युनिकेशन बाय एक्ट include any expression of word written oral written words include the letter telegram fax email event advertisement oral include hai telephone message against communication would include any conduct intended to communicate like positive act jo karta hai ya sign deta hai wo mana jata hai act acting or making sign communication of acceptance by omission kya hota hai some to do something matlab omission is conveyed मतलब सामने वाले को इन्फॉर्म किया बाय अ कंडक्ट और फोर्स बेरेंस अ पार्ट ऑफ द वन पर्सन टू कन्वे इज विलिंगनेस और असेंट हाउवर साइलेंट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन ऑफ ओमिशन। साइलेंट चुप रहना नहीं माना जाएगा। देखो कैसे, ए ऑफर 50,000 टू बी इफ ही डज नॉट अराइव बिफोर द कोर्ट। इसमें कुछ ऐसा करना है ओमिट खत्म कर देना ना, तो आप समझ सकते हो ओमिशन। तो देखो कैसे, 50,000 ए बोला बी को, इफ़ ही डज नॉट अराइव बिफोर कोर्ट, अगर कोर्ट में वो नहीं आएगा बंदा तो उसको 50,000 हम देंगे, वो कोर्ट में नहीं आता है एक्सेप्टेंस हो गया। वी डज नॉट अराइव इन द डेट ऑफ द हेयरिंग इन द कोर्ट इज हेयर ओमिशन ऑफ डूइंग एन एक्ट टू एक्सेप्टेंस। हेयर ओमिशन ऑफ डूइंग एन एक्ट, समथिंग डू कर रहे हैं ना, ओमिशन टू डू समथिंग, सेक्रीफाइस करना, नहीं आ रहा है कोर्ट में तो 50,000 उसको मिलेगा। कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, कंडक्ट के थ्रू delivery of price, willingness to buy, understand the communication, the conduct of the convey acceptance. Similarly, one needed to explain, है ना, आपको पता है पब्लिक बस में बैठे हो, तो बस में बैठे तो एक्सेप्ट किए हो ना भाई, टिकट का तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। आपने वेट मशीन में आपने वजन कराया तो उसका पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा ना, पैसा डालोगे एक्सेप्ट हो गया, वेट करके आपको बताएगी इतना है, ठीक है, वही सब लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीज़ है, लेट अस नो कम टू इशू ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट टर्म्स ऑफ सेक्शन 4। दो चीज आता है, अगेंस्ट द प्रपोजर एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। प्रपोजल के अगेंस्ट में क्या होता है, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हिम एज टू आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विदड्रॉ द सेम, उसके पास पहुंचता है। वैन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर ऑफ विदड्रॉ द सेम। भाई एक्सेप्टर तक पहुंचे, ए ने बी को भेजा ट्रांसमिशन के थ्रू, बी तक पहुंचे उसके पहले ये क्या कर, इसका पूरा अधिकार है अपने ऑफर के प्रति, बट बी के पास पहुंच के बी ने एक्सेप्ट करके लेटर भेज दिया तो अभी बी का पूरा अधिकार है उसको रोकने के लिए। देखो क्या है, रिवोकेशन में समझ में आएगा। और वेयर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय लेटर सेंड बाय द पोस्ट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजल लेटर एक्सेप्टेंस पोस्टेड एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टेड व्हेन द लेटर रीच द प्रपोजल। भाई जिस दिन हमने पोस्टेड किया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड अगेंस्ट प्रपोजल, सपोज प्रपोजर मैं हूं तो मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, सामने वाला जब मुझे क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा एक्सेप्टेंस। जिस दिन पोस्ट किया, सपोज 10 तारीख को पोस्ट किया, तो उस दिन मेरे अगेंस्ट में हो जाएगा कंप्लीट। बट अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा, जब मुझ तक वो लेटर पहुंच जाएगा। सपोज 12 तारीख को पहुंचा तो 12 तारीख को वो कंप्लीट माना जाएगा। समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। If B accept the proposal, if B accept A's proposal and send the acceptance by post 14th, the communication of acceptance against A is complete 14 and later is posted, है ना? And against the B acceptance will convey the reached letter. हमारे A के पास letter आ जाएगा, ठीक है, ये चीज लिखा। चलो आगे आते हैं, यहाँ पे देखो टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स उसके थ्रू बोला है वहाँ पे, वो चीज़ बताया है, ठीक है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, ये क्या होता है कि कभी कभी ना स्पेशल कंडीशन होता है। आपने टिकट बस का, इसका ट्रेन का टिकट खरीदा होगा, प्लेन का टिकट खरीदा होगा, उसके अंदर स्पेशल कंडीशन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करोगे ही तो ये आगे बढ़ेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है।
है ना, समटाइम देर इज सिचुएशन वेर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कंडीशन, देयर स्पेशल कंडीशन आर कन्वेड टैक्टिकली, इन्फॉर्म हमें टैक्टिकली किया और हम एक्सेप्ट भी करते हैं कंडीशन और ऑल्सो कन्वेड बाय द ऑफरी अगेन टैक्टिकली और विदाउट हिम इवन रियलाइजिंग इट। उसको पता भी नहीं फिर भी वो करता क्यों भाई? टिकट के पीछे लिखा है कि एक घंटे के अंदर जर्नी स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आपने एक्सेप्ट किया है वो प्रूफ। आप टिकट लेके बैठ नहीं सकते, है ना, लोकल टिकट आप लेते हैं मुंबई में, तो देखो ध्यान से, एक घंटे के अंदर आपको जर्नी स्टार्ट करना है, आप नहीं करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो वो आपने एक्सेप्ट किया उसको, जो कंडीशन पीछे लिखा है उसको आपने एक्सेप्ट किया, वो क्या है, स्पेशल कंडीशन है, वो यहाँ पे लिखा है पैसेंजर के बारे में। नेक्स्ट बात आती है किसकी, ये केस लॉ आप लोग पढ़ लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, है ना, कि बस ऐसा ही सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स टू अनदर हु सब्जेक्टली अनअवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड द पार्टी वेट वॉन्टिंग टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट हैव गिवन द नोटिस विच द सर्कमस्टेंस के इज द सफिशियंटली रीजनेबल बट द एक्सेप्टर विल नॉट इंकर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन द डॉक्यूमेंट इज सो प्रिंटेड एंड डिलीवर्ड टू हिम सच अ स्टेट दैट इज डज नॉट गिव रीजनेबल नोटिस द फेस दैट द कंटेंट स्पेशल कंडीशन, है ना। लेट अस कंसिडर द कन्वेंस सिचुएशन ए ट्रांसपोर्ट करियर एक्सेप्टेड द गुड्स अंडर, मतलब क्या है इसमें, देखो ध्यान से, कि कोई ट्रांसपोर्टर है और एक जिसको दिया है गुड्स, है ना, ए ट्रांसपोर्ट कर रहा है करियर एक्सेप्टेड गुड ट्रांसपोर्ट विदाउट द एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं बताया था, बट सामने वाला उसने बताया बाद में कि इस सर्कुलर ओनर ऑफ द गुड्स अनलिमिटिंग द लाइबिलिटी ऑफ द गुड्स, कि भैया हमारी लाइबिलिटी इतनी ही तक रहेगी अगर गुड्स को कुछ हुआ। तो इन सच केस स्पेशल कंडीशन पर नॉट कम्युनिकेटेड टू प्रायर टू रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे थे उस दिन कम्युनिकेट नहीं हुआ था, है ना, तो वो स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, एंड दीज वर नॉट बाइंडिंग ओनर्स ऑफ गुड्स, बाइंडिंग नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द प्रपोजर, एक प्रपोजर मतलब जो ऑफर दे रहा है, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ से, वही जो चीज ऊपर पड़े कम्युनिकेट कब होता है, सामने वाले के पास जब वो पोस्ट कर देता है एक्सेप्टेंस का, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। ए ने बी के पास भेजा 14 तारीख को, मान लो बी ने उसको, ए ने बी के पास 10 तारीख को भेजा था, बी ने ए को 14 की एक्सेप्ट करके 14 तारीख को पोस्ट कर दिया, और ए के पास पहुंचता है 16 तारीख को, तो 10 तारीख से लेके जो 14 तारीख को उसने पोस्ट किया, तो अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट होता है कब, 14 तारीख को, लेकिन रीच कब होता है, 16 तारीख को, तो अगेंस्ट एक्सेप्टर 16 तारीख माना जाएगा, यही लिखा है यहाँ पे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रपोजर व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पोस्ट टू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन व्हेन इट इज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, व्हेन द पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर इट वुड बी कंप्लीट व्हेन द कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब उसके पास नॉलेज मतलब पहुंच गया। तीन चीज इसमें बहुत जरूरी है, ये तीन चीज है, देखो ध्यान से, एन ऑफर टू बी एक्सेप्टेड, एन ऑफर टू बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट कंटेन डिफाइंड प्रॉमिस, डिफाइन होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, इनडिफाइन नहीं होना है, वेग नहीं होना चाहिए, ऑफर दैट द वुड दैट ही वुड बी बाउंड प्रोवाइडेड बाय टर्म्स स्पेसिफाइड बाय द हिम एक्सेप्ट, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन दे तो उसको बाउंडिंग होना चाहिए, मतलब क्या, वो सामने वाला एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को। एनी ऑफर मे बी मेड आइदर टू पर्टिकुलर पर्सन और पब्लिक एट लार्ज, स्पेशल भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक ऑफर, और पब्लिक एट लार्ज मतलब ओपन ऑफर मतलब जनरल ऑफर भी कर सकते हैं। द ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस इज रिटन टू एन एक्ट द परफॉर्मेंस एक्ट द विदाउट बाई एनी कम्युनिकेशन देयर ऑफ इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेबल, वही जो पूरा ऊपर पढ़ा मैंने, ऑफर रिटन टू एक्ट और परफॉर्मेंस और एक्ट विद एनी कम्युनिकेशन देयर ऑफ, बोलते ना कम्युनिकेशन वो था उसमें कुछ आया था, याद करो मैगजीन वाला भी था इसमें आ जाता है, है ना, तो उसको हम एक्सेप्ट मान लेंगे, काउंटर ऑफर भी आ सकता है, ठीक है। आगे आता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अब रिवोकेशन मतलब होता है रिवोक करना, हटा देना, विड्रॉ कर लेना, ऑफर को भी हम विड्रॉ कर सकते हैं कौन, ऑफरर, एंड एक्सेप्टेंस को भी विड्रॉ कर सकता है कौन, एक्सेप्टर, ऑफरर एंड ऑफरी, ऑफरी एक्सेप्टर हो गया, तो एक्सेप्टर किसको विड्रॉ कर सकता है, जो अपने अपन उसने एक्सेप्ट किया उसको विड्रॉ कर सकता है, रिवोक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। इफ देर इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गवर्निंग इन द मेकिंग एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ दैट ऑफर, वी ऑल्सो हैव स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग द, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ वजह हो सकती है, एनी वजह हो यार, हम अपने ऑफर को क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं,
समझ में आया सब लोग को आपको, तो हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन फोर होता है। देखो ये रहा सेक्शन फोर, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो ऊपर पढ़ा हुम द मेड इज टू बी, है ना, आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक इट एंड द, मतलब अगेंस्ट द ऑफरर है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर है, है ना, जब उसको नॉलेज हो जाएगा। ये दो चीज़ है, इसके ऊपर इलस्ट्रेट दिया हुआ है, समझाया हुआ है। देखो क्या दिया है, ये पढ़ेंगे तो समझ में, देखो यहीं पढ़ लेते हैं हम, इलस्ट्रेट किया तो पढ़ लेते हैं। इफ़ यू रिवोक एनी ऑफर प्रपोजल मेड बाय टेलीग्राम, द रिवोकेशन विल कंप्लीट एज फार एज यू आर कंसर्न व्हेन यू आर डिस्पेस द टेलीग्राम। कुछ नहीं समझा, यू मी आई, बट एज फार एज आई एम कंसर्न इट विल बी कंप्लीट व्हेन दे रिसीव टेलीग्राम। इसको वापस से इन्होंने समझाया, क्या समझाया, देखो क्या लिखा है, देखो देखो एक्सेप्ट, इफ़ यू गो बाय द अबव एग्जांपल, आई कैन रिवोक द एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑफर, जो है एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, दिस रिवोकेशन एक्सेप्टेड बाय मी विल बी कंप्लीट व्हेन आई डिस्पेस द टेलीग्राम अगेंस्ट यू, इट विल बी कंप्लीट व्हेन दे रीच यू। सिंपल सी बात है यार, ए ने बी को भेजा, बी ने एक्सेप्ट करके जिस दिन पोस्ट किया, भेजा जिस दिन टेलीग्राम किया ना, उस दिन तक अगेंस्ट प्रपोजर अगेंस्ट एक्सेप्टर का भी हो जाएगा यार। जिस दिन वो पोस्ट किया था ना, प्रपोजर के पास आ गया, जिस दिन प्रपोजर के पास आ गया ना, अगेंस्ट द एक्सेप्टर हो जाएगा। वही चीज़ बोला है, देख बिडर वही हैमर फॉल ऑफ हैमर, उसके पहले रोक देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स ऑफर टू सेल 50 बल ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू कीप इज ओपन इन एक्सेप्टेंस 6 बजे तक, बिफोर एक्स सोल्ड देम टू जेड वाई एक्सेप्ट द ऑफर बिफोर 6 PM, 6 बजे के पहले। भाई एक्स ने 50 बाल की बेल की बात हुई थी, कॉटन जो कपड़े थे, एक्स होल्ड देम टू जेड, एक्स ने जेड को बेच दिया और वाई एक्सेप्ट किया बिफोर 6 बजे के पहले, वाई एक्सेप्ट कर लिया। बट क्या होता है, वाई एक्सेप्ट किया उसके पहले क्या किया था, एक्स ने रिवोक कर लिया था, मतलब बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय एक्स, तो ऑफर ऑलरेडी रिवोक हो चुका है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब क्या, एक्स Y को भेजने वाला था, X किसको भेजने वाला था, Y को, कि 6 बजे तक एक्सेप्ट कर लो, भेज मतलब ऑफर दिया था, वो B Y एक्सेप्ट करे उसके पहले X ने Z को भेज दिया, लेकिन Z को भेजने से पहले इसको इन्फॉर्म कर दिया था, क्या किया था कि मैं रिवोक कर रहा हूँ, बाद में 6 बजे के पहले, टाइम के पहले किया लेकिन रिवोक होने के बाद, तो ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है बार बार बीच में, क्या आता है, इंग्लिश लॉ के हिसाब से, इंग्लिश लॉ के हिसाब से क्या होता था, देखो इंग्लिश लॉ के हिसाब से एक बार आपने कंक्लूड कर दिया ना तो रिवोक नहीं कर सकते थे, है ना। सेम थ्रू पोस्ट की बात करें तो पोस्ट के थ्रू एक बार आपने पोस्ट कर दिया, कंक्लूड हो गया, आप रिवोक नहीं कर सकते। बट इंडियन लॉ में ये चीज है, क्योंकि इंडियन लॉ ऐसा है, मिस्टेक हो जाता है, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद रिवोक भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश लॉ में ऐसा था कि भैया रिवोक नहीं कर सकते आप, चाहे वो ऑफर हो चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, बट इंडियन लॉ के अंदर ऐसा है कि आप रिवोक कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है ना, वो टेलीफोन जो भी है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, व्हेन द प्रपोजल इज मेड द प्रपोजर मे नॉट वेट इनडेफिनेटली एट द एक्सेप्ट, भाई इनडेफिनेट टाइम तक वेट हम नहीं करेंगे, द ऑफर कैन बी रिवोक्ड अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन ऑफ सम टाइम्स बाय लैप्स, कुछ समय बाद वो लैप्स हो ही जाता है। देखो मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मोड क्या है रिवोकेशन का, बाय नोटिस के थ्रू कर सकते हैं, हमने नोटिस दिया सामने वाले के पास पहुंचे उसके पहले ही हमने दूसरा नोटिस दे दिया कि हम रिवोक करना चाहते, तो ए ऑफर टू बी सेल गुड्स 5000 थ्रू ए पोस्ट बट बी कुड एक्सेप्ट द ऑफर, A receive against highest bid from C and A revoke his offer to B by informing B over a telephone, भैया हम आपको नहीं दे सकते, ये हमने किसी को भेज दिया है sold C, तो offer क्या हो जाएगा, revoke हो जाएगा notice के through, by lapse of time, time खत्म हो गया, 3 दिन का time दिया था, time खत्म तो गया, मैंने reasonable time रखा था, reasonable time खत्म हुआ तो चला गया, हमने पढ़ा था reasonable time, अभी याद रहेगा तो reasonable time हमने एक घर का पढ़ा था और एक पढ़ा था बनाना का, time खत्म तो गया, by non fulfillment of condition, मैंने बहुत सारे condition रखा था या कुछ condition रखा था, सामने वाला fulfillment नहीं करता तो acceptance नहीं माना जाएगा, वो revoke हो जाएगा,
एंड बाय डेथ सामने वाला मर गया, इंसैनिटी है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट बात आती है बाय काउंटर ऑफर, सामने वाला ऑफरर ऑफरी, ये दो ही लोग हैं भैया, और दो लोग ऐसा है ना, आप समझो ना, ऑफरी ये ए बी को ऑफर करता है, और बी बंदा ऐसा है, बी बंदा है कि कंडीशन रख के ए को बोलता है। अब ए ने ऑफर किया और ए ही एक्सेप्ट करेगा, ए के ऊपर डिपेंड होता है काउंटर ऑफर, तो ये भी क्या हो जाता है एक तरीके से, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब और अनयूजुअल मोड, नॉन एक्सेप्टेंस या अनयूजुअल मोड, जिस मोड से मैंने बोला था सामने वाला एक्सेप्ट नहीं किया उस मोड से, तो नॉन एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली इलीगल, अगर इलीगल है तो भी नॉन एक्सेप्टेंस माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है समरी की, तो नेक्स्ट ये आप लोग समरी पढ़ लेना, और जो ये आपका सेक्शन है प्रपोजल प्रॉमिस एग्रीमेंट टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 10 सेक्शन है आई जे तक, तो ये 10 सेक्शन हम आपको एक ट्रिक्स बताएंगे, उस ट्रिक के थ्रू सारे 10 सेक्शन ये पूरा याद करा देंगे, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक्स की बात करेंगे जो भी है। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपका MCQs जो है ना वो भी मैं करा दूँ, जो पूरा MCQs है ना, नीचे क्वेश्चन दिया है वो सारे मैं करा दूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।